समय था जब इंसान की आयु उम्र 100 वर्ष मानी जाती थी, लेकिन अब बदलते खान पान और प्रदूषित वातावरण के चलते व्यक्ति की उम्र कम होती जा रही है। आज के वक्त में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो किसी ज्यादा उम्र की कल्पना करता होगा। हाँ, एक वक्त था जब 100 साल की उम्र बहुत ही साधारण सी बात मानी जाती थी, लेकिन अब बदलते वक्त ने उम्र के इस मानक को भी बदल दिया है। आजकल के वक्त में तो लोग इसे चमत्कार मानने लगे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उम्र जानकर आप चौंक ही जाएंगे। आज के वक्त में कोई इंसान 147 साल की उम्र को पार कर गया तो क्या आप इस बात को मानेंगे? बहुत लोगों के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सुदी के रहने वाले शेख अली अल अलकमी ने 147 बसंत देखे और उसके बाद ये परलोक सिधारे। इनकी उम्र का आंकड़ा तो चौंका देने वाला है, लेकिन साथ ही इनकी खुराक भी आपको चौंका कर रख देगी। उनका 147 साल की उम्र में अभा में निधन हो गया। वो एक खास किस्म का आहार लिया करते थे। कहा जाता है कि उन्हें कार में सवारी करने से बेहद चिढ़ था। वो कोशिश करते थे कि अधिक से अधिक पैदल चलें। इस उम्र में भी वो अभा से मक्का तक पैदल यात्रा किया करते थे। अगर शेख अली अल अलकमी के खाने की बात की जाए तो वो हमेशा अपने खेत के अनाज गेहूं, मक्का, जौ और शहद से खाया करते थे। साथ ही उन्हें ताज़ा गोश्त खाना भी बेहद पसंद था। शेख अली हमेशा अपने पास कुरान पाक रखते थे और रोज कुरान पाक पढ़ते थे। उन्हें पैदल चलना भी बहुत भाता था। अगर बात उनके परिवार की करें तो शेख अली अल अलकमी का एक बेटा था जिसकी मौत हो गई थी। उनके एक बेटी भी है। उन्होंने अपनी मौत से पहले कहा था कि अब और पहले के जमाने में चीजों और लोगों के बीच काफी अंतर है। पहले लोग और चीजें दोनों ही बेहद खूबसूरत हुआ करती थी। मेरी पीढ़ी के ज्यादातर लोग इस दुनिया से विदा ले चुके हैं, इसलिए मैं अब अकेला महसूस करता हूँ। शेख अली अल अलकमी की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।